दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अपने मोबाइल से घर बैठे बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या क्या प्रोसेस आपको करना है और किस प्रकार से आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे खुल गया है फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखोगे तो तीन लाइन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक माई अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ओके करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल और आ जाती है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई नाउ लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में सबसे नीचे देखोगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद में प्लीज़ वेट दिखाएगा और यहाँ पे कुछ डिटेल और मांगेगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल मांगेगा। पर्सनल डिटेल में आप अपना सबसे पहले नाम यहाँ पे डालिए। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल लेता हूँ, मेरा नाम यहाँ पे राजेंद्र कुमार है, तो राजेंद्र कुमार यहाँ पे डाल लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट नेम डाल लेते हैं, ठीक है। और नीचे देखोगे तो यहाँ पे फादर नेम है, तो फादर नेम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फादर नेम लास्ट नेम है, तो यहाँ पे जगदीश चंद है। उसके बाद में देखोगे यहाँ पे मदर नेम टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं मदर नेम टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे जेंडर है, मेल है या फीमेल है, वो टाइप करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, वो यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे दर्शाना है। उसके बाद में देखिए पैन कार्ड नंबर डाल देना है, तो मैंने अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए स्टेप टू में यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉई है क्या है, तो वो यहाँ पे एनुअल इनकम आपको कम से कम 3 लाख से ऊपर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 3.5 लाख रुपये यहाँ पे कर लेता हूँ साल का इनकम। तो यहाँ पे कम भरते हो तो आपका फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा और आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ देखने लायक है। यहाँ पे मैं 3.5 लाख यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद में नेम ऑफ एड्रेस, बिजनेस एड्रेस कौन सा है वो यहाँ पे टाइप कीजिए, और यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, तो वो सारा कुछ यहाँ पे भरिए। तो मेरा बिजनेस का नेम क्या है, एक्सपर्ट इंटरनेट है। उसके बाद में मैन्युफैक्चर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखोगे तो मेल आईडी है, मेल आईडी आप देख लीजिए, और उसके बाद में नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 स्टेप है, यहाँ पे फिनिश करना है और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे ओके करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पे भर दीजिए। मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सबमिट द डिटेल आवर बैंकिंग पार्टनर, बैंकिंग पार्टनर के पास ये डिटेल सबमिट की जा रही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, और यहाँ पे देखिए आपका जो डिटेल है वो यहाँ पे सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। दोस्तों मेरे पास एक्सिस बैंक का कॉल आया था, जिसके अंदर मेरे को बताया गया था, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से नंबर आया हुआ है, कॉल चल रही है, और उन्होंने मेरे को पूरा तरह से समझाया और मैंने इस प्रकार से किया है। देखिए यहाँ पे वीडियो केवाईसी करनी है। वीडियो केवाईसी में आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। आप घर बैठे केवाईसी करके क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।